साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। पब्लिक गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल ट्रस्ट पाकड़ां दीआं 12वीं अते 10वीं क्लास विच वधिया पोजीशनां लैण वालीआं विद्यार्थणां नूं सम्मानित कीता गया। इलाके विच लड़कियां नूं सिक्ख्या दा चानण वंडदी आ रही पब्लिक गर्ल्स स्कूल ट्रस्ट दे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे ऐलाने नतीजियां विच लड़कियां ने वधिया पोजीशनां हासिल करके इलाके दा नाम रोशन कीता है। जिन्हां नूं सम्मानित करन लई प्रिंसीपल गुरिंदर संधू दी मौजूदगी विच ट्रस्ट दी प्रबंधक कमेटी वल्लों विशेष तौर ते सम्मानित कीता गया। प्रिंसीपल गुरजिंदर कौर संधू ने दस्सिया कि स्वर्गीय कामरेड हरपाल सिंह घग्गा वल्लों इलाके विच लड़कियां दी सिक्ख्या लई कोई प्रबंध ना होण कारण 1985 विच इस स्कूल दी स्थापना कीती गई सी, जो कि एक विद्यार्थी तों शुरू होके अज हजारां विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या प्रदान करदी आ रही है। इस स्कूल दीआं कई विद्यार्थियों नूं जज बनन दा मान मिलिया, उत्थे ही कई विद्यार्थियों अलग अलग अहुदिआं ते वी तैनात ने, जिस तहत इस साल भी 12वीं अते 10वीं क्लास दा नतीजा 100% रहा, जिस विच पहली दूसरी अते तीसरी पोजीशन लैण वाली विद्यार्थियों नूं विशेष तौर ते सम्मानित कीता गया। प्रबंधक कमेटी दे मैंबर बलदेव सिंह निहालगढ़ अते केवल शर्मा ने स्कूल दीआं कारगुजारियां अते दित्ती जा रही सस्ती म्यारी सिक्ख्या संबंधी जानकारी दिंदिआं कहा कि स्कूल विच बहुत ही घट फीसां ते सिक्ख्या दित्ती जांदी है अते आउण वाले समें विच वधिया पोजीशनां लैण वाले विद्यार्थियों अते उहनां दे अध्यापकां नूं भी कामरेड हरपाल सिंह घग्गा वल्लों अवार्ड नाल सम्मानित कीता जाएगा। पाकड़ां तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट। मैं गुरिंदर संधू, प्रिंसीपल पब्लिक गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल पातड़ा, जिहड़ा पंजाब बोर्ड ने जी प्लस टू 10th 8th और 5th का रिजल्ट डिकलेयर किया सीगा, उहदे विच साडे बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स लए ने, 90 प्लस बहुत बच्चे ने, नीयरली 20 एंड 80 प्लस भी बहुत ज़्यादा बच्चों के ने, साडा 100% रिजल्ट रहा है, बहुत ही अच्छा। अज उन्हां बच्चों नूं असीं ऑनर कीता, नाल उन्हां दे पेरेंट्स आए ने और उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई। बिल्कुल जी, वेखो ये स्कूल 1985 कॉमरेड हरपाल सिंह घग्गा जी की देन है, उन्होंने सुपना सगा कि इस इलाके दुड़ियां पढ़ाया जाए, क्योंकि यह इलाका एजुकेशन दे वाइज बहुत ही पछड़िया हुआ इलाका सगा। कुड़ियों के लिए स्पैशली उन्होंने स्कूल शुरू किया और एक बच्चे तो शुरू किया, और अज साडे कोल नीयरली 1500 तो भी ज़्यादा बच्चे ने और बहुत अच्छा पढ़ रहे ने, बहुत ही जो लेटेस्ट टैक्नीकस ने उन्होंने सारिया अवेलेबल कराईया गई ने। वी हैव नीयरली 50 कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट क्लासेस एंड हर तरह की उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और इलाके दे विच साडा नाम है, बहुत पुरानी संस्था है, नीयरली 38 ईयर्स हो गए ने इस नूं चलदे होए, और दिन प्रतिदिन साडे जिहड़े बच्चे ने ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਗੇਮਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 3 PCS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 100% ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਲੱਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
इनू जिहड़ा हैगा होर बुलंदियां ते लैके जाणगे सारा स्टाफ दी सहायता नाल। और साडी जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी है उहदे वल्लों भी विचार कीता गया कि आउण वाले समें दे विच जिहड़े चंगीआं पोजिशनां लैके बच्चे पास होणगे और उहनां दे जिहड़े टीचर जिहड़े उहनां नूं पढ़ा रहे होणगे इंचार्ज ते दूसरे उस सारिया वास्ते असी कुछ आने वाले समय के चंगे प्राइज ने जोड़े वो अपना कामरेड हरपाल सिंह का गा यादगारी जोड़ा चिन्ह ना उन्होंने सन्मानित करा ये साडा आने वाले समय का निशाना है और इंशाअल्लाह असी पूरा कर सका। देखो सरकार जी एजुकेशन तो हूँ तक तो यह रिकॉर्ड रहा कि भज रही है क्योंकि जे असी प्राइवेट धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियां ते स्कूल कॉलेज जिवें खुले सीगे पंजाब दे विच उह सारयां दा अज बुरा हाल है। जिता उस नजरिए तो देखदे आ तां सरकार नूं ध्यान देना चाहिए काल जिहड़े सरकारी स्कूल ने उन्हां नूं भी चलाउणा चाहिए जिहड़े इस तरह के साडे वर्गे अपने वर्गे स्कूल ने जिन्हां दा कोई मनोरथ पैसा कमा के बाहर लैके जाना नहीं उन्हां नूं जरूर एड जिहड़ी उह देनी चाहिए तां कि ये भी सरकारी स्कूलों वांगू बच्चों नूं जिहड़ी है मदद कर रहे हैं। साडी ये कोशिश है कि मौके की जिहड़ी सरकार है उहदे सीएम साहब नाल इस विषय ते असीं आउण वाले जल्दी गलबात करांगे। की लगता जिवें आपां लड़कियां दा स्कूल पहला अकेला स्कूल है गया इस ते लड़के सिक्ख्या लै रहे ने की साडा सरकार ध्यान देण दी जिवें आपां देखे लड़की दा स्कूल है नहीं इत्थे कोई तां इहनूं वधिया करन वास्ते होर उपराले करने चाहीदे। हाँ साडी तां इच्छा है कोई साडी मैनेजमेंट कमेटी दे इत्थे चौधर करन दा कोई मकसद नहीं हैगा असीं तां चाहुंदे हाँ कि सरकार इहनूं अपने हत्थां च लवे हत्थां च लै के ते स्कूल नूं इक वधिया इलाके दा जिहड़ा बच्चियां दा स्कूल है जिहड़ा नंबर जिहड़ा ओह स्कूल ते नाल कॉलेज है जिहड़ा उस पासे वल लिजावे। असीं कोशिश साडी इही है पहली कोशिश साडी इही वी सरकार इहनूं अपने हत्थां च लवे और इहदी कारगुजारी इह पछड़िया इलाका है किसी दिन कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र होर ने कॉलेज बनाउण वेले भी यही सोच सी फिर कामरेड हरपाल सिंह घग्गा होर की भी यही सोच सी असी भी उन्होंने पद चन्ना ते चलते हुए साडी भी यही सोच है भी जे सरकार इहनूं अपने हत्थां च लैके अगे लैके जांदी है ते वधिया क्वालिटी की एजुकेशन म्यारी एजुकेशन इत्थे मिलती है तो सानू एदो वड्डी सुभागां वाली गल कोई नहीं होगी साडी कमेटी वास्ते। मैं अज दे इस शुभ अवसर पर साडे स्कूल दे समूह प्रिंसीपल ते समूह स्टाफ नूं वधाई दिंदा हाँ इस दे नाल ही बच्चों के पेरेंट्स अते बच्चों नूं वधिया पोजिशन आउण ते मैं सारे नूं वधाई दिंदा हाँ। मेरा नाम मुक्ता दुग्गल वाली है जी। मेरी बेटी प्लस टू क्लीयर की है जी स्पैशल चाइल्ड रही है स्कूल पब्लिक स्कूल के बहुत एफर्ट्स रहे ने प्रिंसीपल मैम के समूह स्टाफ के बहुत एफर्ट्स रहे ने कि एक स्पैशल चाइल्ड बहुत अच्छे मार्क्स लैके बच्चे ने आपका प्लस टू क्लीयर की है। मैं प्रिंसीपल मैम समूह स्टाफ सारे स्टाफ की बहुत बहुत धन्यवाद दी हाँ कि उन्हों का रिजल्ट बहुत अच्छा स्कूल बहुत वधिया एफर्ट्स करके बहुत पहला ही तरक्या थे जी तो आने वाले टाइम के असी होर भी उम्मीद करते हैं कि स्कूल तरक्या थे ही रहेगा। मेरा नाम लखप्रीत कौर है मैं प्लस टू क्लास की स्टूडेंट हाँ। मैं पब्लिक गर्ल स्कूल तो प्लस टू की है बहुत ही वधिया स्कूल है साडा पब्लिक गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल बहुत ही अच्छे एफर्ट्स ने टीचर भी बहुत वधिया ने बहुत अच्छी एजुकेशन देंदे ने नाल नाल आपां नूं अग्गे फ्यूचर दे फ्यूचर लई भी प्रेरित कर रहे ने सानू टीचर्स दे भी बहुत एफर्ट्स ने साडे लई जिन्हां ने सानू अग्गे वधाया मैं उन्हां टीचर्स दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां जिहड़े कि सानू इन्ने प्यार नाल पढ़ाए ने जिन्हां ने सानू पढ़ाया है। My name is मीनाक्षी रानी आयरिन सिक्स क्लास मेरे फिफ्थ चो वधिया मार्क्स आए ने। मेरा नाम मनदीप कौर है मेरे फिफ्थ क्लास से 93% आए ने। मैनू मंजू मैम ने टीच किया मैं बहुत वधिया कहनी हाँ मैनू बहुत टीच किया मेरे 12th 91.2% आए ने ते मैं सारे अपने टीचर्स पेरेंट्स सारे दा थैंक यू करती हाँ उन्हें करके साडे इन्ने वधिया नंबर आए ने। इस बार मेरे 87% आए ना अगर मैं 97 लैन की कोशिश करा। मेरा 12th स्कोर 94.2% आया इस नाल मैनूं बड़ी खुशी हुई कि मैं सैकंड पोजिशन हासिल की 12th क्लास च। वैल आई गॉट 95% इट इज़ द हार्डवर्क ऑफ माई टीचर्स एज वैल एज माई सेल्फ थैंक्स अलॉट टू ऑल द स्टाफ मैंबर्स एंड एज वैल एज प्रिंसिपल मैम। माई नेम इज़ जैसमिन कौर एंड आई गॉट द 93.8% विद द हेल्प ऑफ द स्कूल एंड एज वैल एज विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल मैम बिकॉज द फैसिलिटीज ऑफ द स्कूल।